effects of polluted air on the environment. इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन की है. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के अंदर जो हमारे पास मेजर पोल्यूटेंट्स थे, दे इंक्लूडेड कार्बन ऑक्साइड्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सल्फर ऑक्साइड्स, विच इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड. एंड हमने फिर लेटर ऑन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन की. कुछ वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के तौर पर बिहेव करते हैं. नाउ ऑल ऑफ दीज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, वट डू दे डू? दे पोल्यूट द एयर, ऑब्वियसली दे पोल्यूट द एयर. एंड द पोल्यूटेड एयर, उससे आपके एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, और उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को आज हम डिटेल में पढ़ने लगे हैं, जिनमें सबसे जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं दे इंक्लूड एसिड रेन एंड स्मॉग एंड फाइनली ओजोन डिप्लीशन. ये तीन मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जो इनकी वजह से कॉज होते हैं. और फिर इन एसिड रेन, स्मॉग और ओजोन डिप्लीशन, इन तीनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद ह्यूमन लाइफ, ठीक है, विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल दी अदर पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट विच वी हैव सीन प्रीवियसली. क्योंकि हमने कहा था कि एनवायरनमेंट एक्चुअली सिर्फ एक तो एटमॉस्फेयर है, इसके अलावा वी ऑल्सो हैव हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर के रिजर्वॉयर्स हैं वो तमाम के तमाम. वी हैव बायोस्फीयर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड वी हैव लिथोस्फीयर द ग्राउंड्स. सो ओवरऑल जो ये मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये इन तमाम को अफेक्ट करते हैं. पूरी की पूरी एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ दीज थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल. आज हम एसिड रेन और स्मॉग के बारे में बात करेंगे. लेटर ऑन विल टॉक अबाउट ओजोन डिप्लीशन. एसिड रेन जो टर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड रेन किस चीज को कहा जाता है. सॉरी, एसिड रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक इट क्लियर कि व्हाट एन एसिड इज. एसिड इज बेसिकली एनी कंपाउंड जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है. फॉर एग्जांपल HCl को हम कहते हैं कि ये एसिड है, क्योंकि इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये अपने अंदर से H प्लस अलग करके Cl माइनस में चेंज हो सकता, ठीक है. तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और उनके सॉल्यूशन के अंदर H प्लस कुछ ना कुछ अमाउंट में पाया जाता है व्हेन यू ऐड वाटर इनटू देम, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं देयर सॉल्यूशंस आर एसिडिक. अब कोई भी आप एसिडिक सॉल्यूशन लो, उसके अंदर कितनी अमाउंट के अंदर ये H प्लस पड़ा हुआ है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने केमिस्ट्री में एक मेथड बनाया है जिसको कहते हैं pH. pH यू कैन कॉल इट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटॉन्स, pH. ये आपको बता रहा होता है कि ये सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, और ये बराबर होता है माइनस टाइम्स लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्रेजेंट इनसाइड. एंड कंसेंट्रेशन इज बेसिकली मोल्स ऑफ H प्लस पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है. सो इस पूरे मेथड से आप अगर pH निकाल लो तो इसकी जो रेंज आती है इट इज बिटवीन 0 and 14, ठीक है. 0 अगर किसी चीज का pH है तो इट इज एक्सट्रीमली एसिडिक, और 14 है तो इट इज एक्सट्रीमली बेसिक. ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि 10 की पावर्स को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. 7 यहां पे एग्जैक्टली मिड में होता है एंड दिस इज एग्जैक्टली न्यूट्रल. और जितने भी एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं वो 0 और 7 के दरमियान उन तमाम का pH होता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ चार्ट टू रिव्यू द डिफरेंट pH वैल्यूज. ओके, ये चार्ट आपको एक थोड़ा सा समराइज कर रहा है मुख्तलिफ pH वैल्यूज को. यू कैन लुक हियर, pH ये जो ब्लैक कलर में हुआ हुआ है, दिस इज pH ऑफ 7, दिस इज द pH ऑफ प्योर वाटर, ठीक है. और जितनी आपके जो बेसिक चीजें हैं, जो ज्यादा बेसिस के तौर पे, जिसमें अंडे हो गए, जिसमें बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोसाइड हो गया, अमोनिया इटसेल्फ
भी बेसिक है क्योंकि पानी के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ब्लीचेज हैं और लिक्विड रेन क्लीनर्स हैं, ये तमाम बेसिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और अगर आप ऊपर जाओ, मिल्क जो है इट इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, हेल्दी लेक, क्लीन वाटर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हम आम तौर पे पानी पीते हैं विच इज कॉल्ड क्लीन वाटर, इट्स नॉट प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर सिर्फ H2O को कहते हैं। क्लीन वाटर के अंदर क्या होता है, यू हैव सर्टेन मिनरल्स ऑल्सो, ठीक है। आप कभी नेस्ले वगैरह की कोई बॉटल लो, उसके ऊपर लाजमी लिखा होता है इट इज इतने परसेंट सोडियम, इतने परसेंट पोटेशियम एंड ब्ला ब्ला, तो वो क्लीन वाटर है बेसिकली, ठीक है, इट इज जर्म फ्री। तो जर्म फ्री वाटर जो होता है इट इज अ पीएच ऑफ 5.6, दैट मीन्स टू से इट इज स्लाइटली एसिडिक, इट्स नॉट न्यूट्रल, इट्स स्लाइटली एसिडिक। इसके अलावा आप देखो बनानास, यहां पे आपको रेड में आइडेंटिफाई किया इसने कि एसिडिक लेक्स एंड एसिड रेन फॉल इन दिस कैटेगरी। नॉर्मली जो एसिड रेन होती है इट हैज पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4, यानी इट इज वाटर, एसिड रेन इज वॉट, इट्स वाटर जिसके अंदर एच प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हाउ डू दीज थ्री एसिड्स फॉर्म, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। ये तीन एसिड इस तरीके से बनते हैं कि चूंकि एटमोसफियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है एंड यू हैव वाटर ऑल्सो, दे रिएक्ट टूगेदर टू गिव H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली यू हैव सल्फर डाइऑक्साइड इन द गैस इन द एटमोसफियर विच चेंजेस इन टू सल्फर ट्राइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीडेशन एंड इट reacts with water to give H2SO4 in the presence of other oxides. And thirdly, you also have nitrogen oxides in the atmosphere which give nitric acid. So you have a big proportion of these acids in the atmosphere. और उसकी वजह से जो आपकी rain जो produce होती है, rain is basically water. So that water contains these acids जिसकी वजह से उस वाटर का जो पीएच होता है वो ड्रॉप हो जाता है 5 से नीचे। सो एनी टाइप ऑफ वाटर विच हैज अ पीएच लेस देन 5 एंड इंक्लूडिंग 5, ये तमाम का तमाम जो है ये एसिड रेन की कैटेगरी में आएगा। जब भी इस तरह की रेन फॉल होगी उसको वी विल कॉल इट एसिड रेन। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी, एक तो आपको ये पता चल रहा है कि जो पीएच जितना ज्यादा होता है इतना बेसिक सॉल्यूशन होता है, एसिडिक जितना छोटी वैल्यू हो, न्यूट्रल इज एग्जैक्टली 7। यू कैन सी frog eggs, tadpoles, crayfish and mayflies die at a pH of 5.5. अगर 5.5 से मजीद नीचे जाओगे आप 4.2 तक आ जाओगे तो दुनिया में जितनी भी फिश है वो तमाम की तमाम खत्म हो जाएगी, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ सीरियस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो मैंने आपको कहा था कि जब रेनफॉल होती है उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर अफेक्ट होता है जब एसिड रेनफॉल होती है, और ये उसके अफेक्ट की एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रही है। लेट्स टॉक अबाउट इट इन फर्दर डिटेल, इसकी वजह से क्या क्या अफेक्ट्स हो सकते हैं, जो इसके हैजर्ड्स हैं, हैजर्ड्स ऑफ एसिड रेन। द हैजर्ड्स बेसिकली फॉल इनटू थ्री कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज कि जब एसिड रेन फॉल करती है ऑन सॉइल एंड रॉक्स तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड हम इसके पूरे को एक फ्लो के तरीके से स्टडी करते हैं। सॉइल्स एंड रॉक्स के ऊपर एसिड रेन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल की, और एसिड रेन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये येलो से, ये एसिड रेन की रेन के ऊपर। अब जो रॉक्स हैं दे आर नॉर्मली आयनिक कंपाउंड्स, ऑलराइट, मिनरल्स होते हैं एंड दे कंटेन एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड एंड कैल्शियम। ये जो एलिमेंट्स हैं वंस एसिड रेन फॉल्स ऑन दीज रॉक्स दीज एलिमेंट्स सेपरेट आउट, और सेपरेट आउट होने के प्रोसेस को वी कॉल लीचिंग, ठीक है। तो इन रॉक्स से ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं, और ये अलग होके कहां जाते हैं, दे गो इन टू लेक्स एंड स्ट्रीम्स एंड लेटर लेक्स एंड स्ट्रीम से ये कहाँ चले जाते हैं, इन टू बिग वाटर रिजर्वर्स लाइक सीज एंड ओशंस, ठीक है। सो नाउ हुआ क्या कि एसिड रेन फॉल की सॉइल्स एंड रॉक्स के ऊपर, और रॉक्स के मिनरल्स जो थे उन मिनरल्स की लीचिंग हो गई और ये वाले एलिमेंट्स लीच आउट हो गए, ठीक है। और ये हैं कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली दीज आर हैवी मेटल्स,
These elements leach out and go into lakes and streams which fall into seas and oceans. अब seas and oceans के अंदर क्या चीज़ है? There are fish, your fishes. अब fishes की जो body होती है, I'm not that good at drawing, but let's draw a fish. Now it's a fish. They have gills on their body. ठीक है? Okay, so I've put an original fish ताकि मैं आपको clear कर सकूँ. अपनी diagram मेरी इतनी अच्छी मैं explain ना कर पाता. Water flows in through the mouth. Fish actually किस तरीके से water अपने मुंह के अंदर लेके जाती है. And यहाँ पे इसके side पे ये gills होते हैं, जहाँ से water flows over gills then out. यहाँ gills से वो बाहर निकलता है. ठीक है? और पानी चूँकि इसके अंदर oxygen होता है, ठीक है, fish अपना oxygen demand जो होता है वो इस तरीके से पूरी कर लेती हैं. Now if this water contains such heavy elements like aluminum, तो ये क्या होगा कि ये छोटे छोटे particles की form में, मैं इनको red particles की form में show करता हूँ, इस पानी के अंदर aluminum के particles होंगे. और ये aluminum जो होगा ये यहाँ पे जाके deposit होता जाएगा gills के ऊपर. और एक वक्त आएगा कि fish जो है वो further फिर inhale नहीं कर सकेगी, यानी जो fish जो है उसको suffocation feel होगी और fish जो है उसकी death भी हो जाएगी फिर ultimately. It's a serious concern because fish जो है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा amount में die कर रही है. और जब भी acid rain जो होती है, acid rain, उसकी वजह से हजारों की तादाद में जो fish है वो मर जाती है. और ये एक पूरा flow chart है जो आपको समझ आ जाना चाहिए कि होता क्या है, कि ये जो minerals हैं ये form होते हैं और ये minerals जो हैं इनसे elements ये जाके fish inhale करती है और उसकी वजह से death cause हो जाती है. Again, there is an interesting image which I thought I would share. You can see ये acid rainfall के बाद के consequences हैं. ये मारा नहीं गया इस सारे fish को, ये छोटे छोटे जितने आपको dots नजर आ रहे हैं, these are all fish. और ये सारी कैसे बाहर आ गई हैं, ये अंदर death हो गई इन तमाम मछलियों की, and then इनको बाहर किनारे पे समंदर ने फेंक दिया है. And they are so such a large amount of fish you can see. So this is basically the first hazard we have discussed so far, कि इससे fish को नुकसान होता है. और फिर इस फिश के बाद इसी फ्लो चार्ट को मैं थोड़ा सा आगे अगर कंटिन्यूड रखूं, ये फिश कहाँ जाती है? इवन अगर फिश मरी नहीं है, अगर जिंदा रह गई है, इस फिश को ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं. ठीक है? तो जो ह्यूमन बीइंग्स और बर्ड्स जो हैं, जो इस तरह की फिश को खाते हैं, फिर डेफिनेटली उनको भी फिर नुकसान होता है. सो दिस इज अनदर ब्लॉक देन. ठीक है? देखो किस तरीके से एसिड रेन इंसानों तक पहुँच गई. पहले उसने जाके एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए, वो एलिमेंट्स फिश ने अपने बॉडी के अंदर लेके गए और फिश को खाने की वजह से ह्यूमन बीइंग्स एंड बर्ड्स जो हैं इनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं. हम एक और किस्म का हैजर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज कि जब एसिड रेन सॉइल के ऊपर पड़ती है तो उससे क्या होता है. अब सॉइल जो है, आपको पता है कि सॉइल के अंदर देर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है? इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं एंड देर आर फॉस्फेटिक कंपाउंड्स. और ये तमाम जो फर्टिलाइजर जो इस तरह की चीज़ें हैं, यू हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वंस एसिड रेन फॉल्स ऑन दीज न्यूट्रिएंट्स, इसको भी हम ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं. दिस इज अ ब्लॉक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और जब इसके ऊपर एसिड रेन फॉल करती है, ये एसिड रेन है येलो में, व्हाट हैपेंस इज कि इनको वो पल्यूट कर देती है. और इसको पोल्यूट करने की वजह से आपकी जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स शॉर्ट हो जाते हैं. और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है, प्लांट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट्स, इनकी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है. और आहिस्ता आहिस्ता सारे मैदान जो हैं वो बंजर होने लग जाते हैं, ट्रीज जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, लीव्स का जो है वो कलर फेड होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स होना शुरू हो जाते हैं. और ये जो सारे कॉजेज हैं, हम इनको कहते हैं वेजिटेशन के ऊपर ओवरऑल अफेक्ट पड़ता है. ठीक है? तो ये कॉन्सिक्वेंस है अगर सॉइल के ऊपर फॉल करे एसिड रेन, तो वो न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करती है. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जो एसिड रेन की वजह से होता है, दैट इज बिल्डिंग मटीरियल्स के ऊपर. बिल्डिंग मटीरियल जो है उसके ऊपर एसिड रेन किस तरीके से अफेक्ट करती है. अब बिल्डिंग मटीरियल नॉर्मली किस चीज से बना होता है? सीमेंट, लाइमस्टोन और इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं.
अब इन कंपाउंड्स के ऊपर मसलन किसी बिल्डिंग के ऊपर जब ऐसी ड्रेन आके फॉल करती है तो वो क्या करती है, इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि एसिड रेन के अंदर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो एसिड्स जो है इनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो करते क्या है, इनके ऊपर से जो लस्टर होता है, अगर फॉर एग्जांपल मार्बल के ऊपर आके एसिड रेन गिरे तो मार्बल की जो शाइन है वो ख़त्म हो जाती है, लस्टर ख़त्म हो जाता है, शाइन फेड्स। और अल्टीमेटली अगर बहुत अरसे के लिए एसिड रेन होती रहे तो वो बिल्कुल ही पहले खुरदरा हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल्स शो करता हूँ, इस इमेज में देखें, इस इमेज में ये बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन एसिड रेन डैमेज द शाइन एंड टेक्सचर ऑफ स्टोन मॉन्यूमेंट्स एंड कार्विंग्स। सो यू कैन सी ये एक मॉन्यूमेंट है और इस मॉन्यूमेंट की आप देखो बिल्कुल ही ख़राब हालत हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये इस वजह से नहीं हुआ कि हवाएं चल रही हैं या इनको किसी ने पत्थर मार के इसको तोड़ दिया, इस पत्थर को, ये एक्चुअली एसिड रेन की वजह से हुआ है। ठीक है, सिंपल पानी आप इसके ऊपर फेंकते तो ये ना होता, एसिड रेन के अंदर जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं उनकी वजह से इसका इलस्टर वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया। और एक चौथा इम्पैक्ट, अभी तक हमने तीन इम्पैक्ट्स देखे हैं, एक फोर्थ इम्पैक्ट है जो मेरे नज़दीक सबसे डेंजरस है, वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कि अगर एसिड रेन जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर फॉल करे तो उससे क्या होता, डायरेक्ट कांटेक्ट के ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको इस फिगर में नज़र आ रहे हैं। ये एक ह्यूमन हैंड है जिसके ऊपर एसिड रेनफॉल की वजह से ये आप देख सकते हो क्या हालत हो गई है। ठीक है, सो डायरेक्ट कांटेक्ट तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एसिड रेन का आपको पता है कि किसी रीजन में हो रही है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल शेल्टर वगैरह ले लेना चाहिए। लेट्स हैव अ क्विक समरी, क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं एसिड रेन के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि जो फिश और एनिमल्स जो हैं उन पे किस तरीके से असर पड़ता है और उससे फिर इंसानों के ऊपर कैसे असर पड़ता है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये किस तरीके से फिश के अंदर सफोकेशन कॉज करते हैं। सेकेंडली हमने देखा कि जो सॉइल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वजह से वेजिटेशन के ऊपर जो इफेक्ट्स आते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर पर्टिकुलरली। फिर हमने देखा बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर जो इफेक्ट होता है, एंड फाइनली वी सॉ कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से एसिड रेन से क्या प्रॉब्लम्स कॉज होते हैं। आज के जो लेक्चर का दूसरा पार्ट है दैट इज स्मॉग। जो वर्ड स्मॉग है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ देम इज स्मोक एंड द अदर वन इज फॉग। स्मोक एंड फॉग मिल के स्मॉग बनाते हैं। ओवरऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ स्मॉग्स, ये स्मॉग है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, वन ऑफ देम इज फोटो केमिकल स्मॉग, फोटो केमिकल स्मॉग, सॉरी नॉट स्मोक इट्स स्मॉग, एंड द अदर वन इज रिड्यूसिंग स्मॉग, रिड्यूसिंग स्मॉग। इन दोनों के सोर्स के बारे में लेट्स टॉक अबाउट देम। रिड्यूसिंग स्मॉग, स्मॉग जो है इट इज कॉज्ड बाय बर्निंग कोल। अब कोल के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 to 8% सल्फर होता है, और जब हम कोल बर्न करते हैं तो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड की इफ़ यू लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के ऊपर क्या चार्ज होता है, एक्स, दो ऑक्सीजन का -4 = 0, x = 4। सल्फर के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती कौन कौन सी हैं, सल्फर के ऊपर +4 हो सकती है, +6 हो सकती है, एंड +2 हो सकती है। एंड नॉर्मली सल्फर की ये टेंडेंसी होती है कि ये +6 की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, सो चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड कोशिश होती है इसकी कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए, और ऑक्सीडाइज होके या तो SO3 में चेंज हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में यही डिफरेंस है कि सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में +3 होती है, सॉरी यहाँ पे +4 होती है और यहाँ पे +6 होती है। सो जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो सल्फर चूंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ये दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर देता है, दैट्स वाई वी कॉल इट रिड्यूसिंग स्मॉग। सो इस किस्म का स्मॉग जिसमें SO2 की प्रोपोर्शन पाई जाती है ज़्यादा अमाउंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग, क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। और एक और किस्म का जो स्मॉग है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग,
या फोटोकेमिकल स्मॉग भी हम इसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग. ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग में जो सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन है वो ओजोन की होती है. इसमें किस चीज़ की थी? सल्फर डाइऑक्साइड की, और इसमें होती है ओजोन की. और ओजोन के बारे में आपको पता है, बल्कि आगे मैं आपको डिटेल में बढ़ाने लगा ओजोन का टॉपिक, कि ओजोन स्प्लिट्स इंटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन. एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन जो है, दिस कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर एलिमेंट. सो स्मॉग दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, एंड स्मॉग दैट कॉजेज रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मॉग. हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग को फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोलते हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन फोटोकेमिकल प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्मॉग. इन दोनों में जो कॉमन स्मॉग है, दैट इज एक्चुअली दिस फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है, दिस वन इज मोर कॉमन. और चूंकि इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस शामिल हैं, यानी इसमें सनलाइट का भी मेजर रोल होता है, तो ये नॉर्मली जब सनलाइट खासी अमाउंट में पड़ चुकी होती है उसके बाद इस किस्म का स्मॉग प्रोड्यूस होता है. यानी नॉर्मली ये इवनिंग्स में आपको इस किस्म का स्मॉग नजर आता है, सुबह के टाइम आपको नजर नहीं आएगा, शाम के टाइम में आपको इस तरह का स्मॉग प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा. इस किस्म के स्मॉग की मजीद प्रॉपर्टीज ये हैं कि इसका जो कलर है दैट इज येलोइश, लाइट येलो, ब्राउनिश, ग्रेश. ओके, इन तीन कलर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक गंदा सा कलर, बिल्कुल आपको हवा में कभी आप शाम के टाइम अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको उस टाइम जो कलर फील होता है, इसलिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं. ये जो ए आपको नजर आ रहा है दिस इज स्मॉगी कंडीशन, और बी जो है दिस इज क्लीन कंडीशन. ये एक ही शहर है जिसकी दो तस्वीरें ली गई हैं. जब ये साफ सुथरा था इसका एटमॉस्फेयर तो ये ऐसे दिखाई देता है, और जब ये फोटोकेमिकल स्मॉग, आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज फोटोकेमिकल स्मॉग, की वजह से ये इस किस्म का आपको दिखाई देता है. ठीक है, इसका कलर आप देखो किस किस्म का है, ये आपको ब्राउनिश एक तो नजर आ रहा है, ठीक है, ग्रेश चूंकि इसमें धुआं होता है, कार्बन होते हैं, कार्बन की कंसेंट्रेशन होती है, और ये फिर आपको येलोइश भी नजर आता है. इसका जो कलर येलोइश है, मैं इसके आपको रीजन बता देता हूं. इस किस्म के स्मॉग के अंदर नॉर्मली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इट इज येलोइश इन कलर, सो इसकी वजह से इस किस्म के स्मॉग में एक येलोइश शेड भी आपको नजर आ रहा होता है. दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज वेरी हैजर्डस. Both types are hazardous, but this type is more hazardous. First of all, इसका जो order है वो बहुत ही बुरा होता है, ठीक है, very unpleasant order. इसकी smell आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप गलत जगह पे सांस ले रहे हो. Secondly, इसमें यह होता है कि आपको irritation होती है, आपकी skin के ऊपर irritation आपको feel होती है, especially आपके sensitive body parts हैं जिसमें आपकी skin के अलावा आईज़ हैं, आईज़ से आपके पानी निकलना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं इसकी वजह से. ठीक है, तो स्मॉगी कंडीशंस के अंदर यू शुड नॉट गेट आउट ऑफ योर होम्स जबकि आपको पता हो कि स्मॉग इज़ बीइंग फॉर्म्ड. स्मॉग की जो कंडीशंस हैं इस किस्म की स्मॉग की, देर आर थ्री कंडीशंस जो कि पूरी जब होती हैं तब इस किस्म का स्मॉग प्रोड्यूस होता है. द फर्स्ट कंडीशन इज के एटमोसफियर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड खासी ज़्यादा अमाउंट के अंदर होना चाहिए. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स होने चाहिए. इसके अलावा देर मस्ट बी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड देर मस्ट बी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम VOCs कहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये भी खासे अमाउंट में होने चाहिए. VOCs क्या होते हैं? ये बेसिकली जो आपकी व्हीकल्स होते हैं ना, जो गाड़ियाँ वगैरह, उनका जो धुआं होता है उसके अंदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं या जो एवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखते हैं. सो VOCs, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें जब एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं तो ये ज़रूरी है कि फिर फोटोकेमिकल स्मॉग बने. इसके अलावा द सेकेंड कंडीशन इज के सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए. चूंकि ये फोटोकेमिकल स्मॉग है तो सनलाइट के अलावा ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है. ये कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शंस होते हैं, और बहुत ही जो रिएक्शन रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो जितनी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उतना ये रिएक्शन जो होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के, ये तेज होते हैं. इसके अलावा एयर मस्ट बी स्टैटिक. दिस इज अ वेरी
स्ट्रेंज रीजन, बट ये ट्रू होना चाहिए. आपका जो हवा है, अगर विंड्स चल रही हैं, अगर तेज हवाएं चल रही हैं, तो फिर इस किस्म का स्मॉग प्रोड्यूस नहीं होता. अगर आपकी हवा बिल्कुल स्टैटिक है ना, हवा नहीं चल रही, तो फिर ये होता है कि गैसेस को केमिकल रिएक्शन करना इजी हो जाता है. ठीक है, मसलन ये कुछ गैसेस हैं और ये गैसेस हैं, तो ये आपस में फौरन रिएक्ट कर जाएंगी. लेकिन अगर हवा चल रही है, तो ये गैसेस आगे पीछे डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी ओवरऑल थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर. ठीक है, सो एयर जितनी आपकी रुकी हुई होगी, उतना ईजीली फोटोकेमिकल स्मॉग बनेगा. और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, यानी जब गाड़ियों का धुआं भी बहुत हो, स्मोक हो, उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रेजेंट हो, और उसके अलावा सनलाइट भी प्रेजेंट हो, और एयर बिल्कुल ना चल रही हो, तो उस कंडीशंस के अंदर फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाता है. इसके आपके प्रॉब्लम्स मैंने पहले बता दिए थे. दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन एंड हाउ इज इट रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल पोल्यूशन.